ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Two students, they are having their workshop. So they informed me and hence they have not joined. So otherwise 12 students, including to 10 and plus to 12. One more is not there. That is not an issue. Shall we start now? Yes, sir. Today we are going to do practice of programs because that is very important. So I'll tell you something. Suppose I want to type. Is the screen visible to you? Yes. Suppose I want to print a number from 1 to 10. So what I have to write for x in range 1 to 11. Print x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. So नंबर प्रिंट करना है, देखते हैं अभी क्या है। तो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। मुझे एक लाइन में एक नंबर नहीं, सारे नंबर एक ही लाइन में चाहिए। What I want is I want print all the numbers in single line. So what I have to do, ये कॉमा डाल के एंड लिखो इज इक्वल टू, ऐसा कर दो। ऐसे क्या होगा, सारे नंबर है वो एक लाइन में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे प्रोग्राम में बताऊंगा मैं कि अगर टैब देना है तो टैब कैसे दे सकते हैं। सो एक लाइन में करना हो तो इस वजह से कर सकते हैं, अगर अलग अलग लाइन में करना हो तो एंड को हटा दो। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टोटल 10 या 12 प्रोग्राम है, वो हमें करने हैं। दैट आई विल शो यू। ये सारे प्रोग्राम हमें करने हैं। कितने प्रोग्राम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्टार पैटर्न है, ऐसे अलग अलग स्टार पैटर्न आपको प्लॉट करने, मतलब इस वजह से प्रोग्राम लिखना है कि ये स्टार पैटर्न प्लॉट होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करता हूँ मैं, बताता जाता हूँ, फिर हम लोग वहाँ पे वापस आएंगे। तो मुझे क्या करना है, सपोज मुझे एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट करने हैं। मैं क्या करूंगा, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6 प्रिंट स्टार, ठीक है, एंड इज इक्वल टू। सो इसमें से 5 स्टार एक लाइन में आ गए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये स्टार आई कैसे, बताता हूं मैं आपको। आपने क्या किया, फॉर एक्स इन रेंज लूप सेट किया 1 to 6, तो 1 to 6 रेंज सेट किया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 आए, ठीक है। क्या 5
तो स्टार प्रिंट करना है और उसको एंड दे दिया, मतलब एक ही लाइन में वो स्टार को प्रिंट करो, ठीक है। अभी अगर इसके बीच में आपको स्पेस देना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप ऐसा स्पेस दे दो, ये स्पेस दिया तो क्या रन होगा, ऐसा रन हुआ। अगर आपको स्पेसिफिकली यू हैव टू यू वांट टू गिव अ टैब, ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप एक टैब दे दो, फिर रन करो तो इस वजह से टैब आ जाएगा। ये समझ में आया? एक प्रोग्राम में अगर आपको एक लाइन में 5 स्टार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यस सर। इजी है। फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6 करके या 0 to 5 किया तो भी चलेगा, प्रिंट स्टार स्लैश टी एंड, अभी मान लो मेरे को 5 स्टार ऐसे चाहिए और उसके नीचे वाला लाइन में फिर से 5 स्टार चाहिए, तो सेकेंड लाइन में फिर से मुझे 5 स्टार चाहिए, तो समझ में आया क्या करना है मेरे को? मैं वो जो प्रोग्राम है हमारे पास लिस्ट की, उसमें बजाने से पहले मैं आपको बेसिक जो है पूरा क्लियर करके देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा। मुझे अभी क्या करना है, अभी मैंने एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट किए, तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, डॉट बना रहा हूँ बट स्टार समझ लो उसको, फिर से 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसा चाहिए। तो क्या करेंगे, जब खाली एक लाइन में 5 स्टार चाहिए तो एक लूप क्रिएट किया, उसके अंदर प्रिंट स्टार डाल दिया। अगर 2 लाइन में 5 स्टार चाहिए, पांच दोनों में 5 स्टार चाहिए तो क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है, देखो। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको इधर पहले इसका सिस्टम लिख के, इसका जो ड्राई रन करके दिखाता हूं मैं, फिर हम लोग उसको कोड में डालेंगे। मतलब मुझे ऐसा करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2। तो ये 2 लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, एक लूप सेट करूंगा। क्या लूप सेट करूंगा? फॉर, इधर मेरे को टाइप करने में डिफिकल्ट जाएगा, मैं इधर डायरेक्टली प्रोग्राम में लिख के दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं इन दोनों लाइन को, लाइन के लिए लूप लिखता हूं मैं। लाइन के लिए क्या लूप लिखूंगा, फॉर एक्स इन रेंज, आप 0 to 2 कर लो इस वजह से, ठीक है। इससे क्या होगा, तो ये जो लूप है फॉर एक्स इन रेंज 0 to 2, तो 2 बार रन होगी, 0 and 1, तो 0 and 1 रन होगी, मतलब 0 and 1, या आप ऐसे कर लो 1 2 3, 1 2 3, तो क्या होगा, 3 काउंट नहीं होता है, तो इसके लिए 2 ही हमारे पास रेंज है एक्स की, 1 and 2, ठीक है। ऐसे किया तो भी चलेगा, तो 2 लाइन के लिए सफिशियंट है। तो ये क्या लूप इंडिकेट करेगा कि हमारा नेक्स्ट जो है 2 लाइन में आना चाहिए, फॉर एक्स इन रेंज 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, फॉर स्टार प्रिंट होना चाहिए अभी, और वाई इन रेंज, दोनों में फिक्स है, मतलब 5 5 है, तो 5 5 है, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 2 6 कर देंगे, प्रिंट स्टार। और अगर आपको गैप के टैब के साथ किया तो टैब के साथ, नहीं तो बिना टैब के किया तो भी चलेगा, बिना टैब के भी किया तो भी, बिना टैब के ही करते हैं हम लोग। एंड इज इक्वल टू ये, ठीक है। अभी अगर मैंने ऐसा किया तो एक नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मुझे प्रिंट ये डालना पड़ता है। मतलब क्या होगा, ये रन कैसे होगा पहले मैं बताता हूँ, फिर हम लोग रन करके देखते हैं, या पहले रन करके देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या होगा, कैसे हो रहा है। तो देख लो आप, एक लाइन में 5 स्टार, दूसरे लाइन में 5 स्टार। तो पहली चीज तो क्या है, इस लूप के अंदर ये वाला लूप है,
फॉर एक्स इन रेंज 1, 2, 3। तो क्या हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पे एक्स की दो ही वैल्यू हो सकती है 1 और 2। तो पहले क्या होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी। जब एक्स की वैल्यू 1 हो रही है तो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हुआ, वाई इन रेंज ऑफ 1 to 5। वाई की रेंज क्या है, 1 to 6 सॉरी, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसके वैल्यूज पे क्या करना है प्रिंट, तो इसकी वैल्यूज पे स्टार प्रिंट करना है। तो मतलब यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार। सो एक्स की जो वैल्यू 1 है उसके ऊपर मतलब पहली लाइन पे 5 स्टार प्रिंट कर देना, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, y1, y2, y3, y4, y5। यहाँ पे मैंने स्टार किया, क्वेश्चन मार्क डाला होता तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्रिंट होता, एंड डाल दिया इसलिए सारे के सारे एक ही लाइन में। फिर क्या हो रहा है, फिर प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश एन, मतलब अभी नेक्स्ट लाइन में आ जाओ आप, नेक्स्ट लाइन में मतलब कर्सर अभी आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। अभी क्या होगा, फिर एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। वाई लूप खत्म हो गया, वाई लूप के बाहर आ जाओ तो प्रिंट स्लैश एन है, तो मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। तो अभी x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे, अगर n नहीं दिया होता तो x की वैल्यू 2 मतलब आगे होता कुछ ऐसा। फिर 2 पे क्या होगा, फिर से y, ये वाला लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, तो y की वैल्यू 1 to 6 है, y की वैल्यू 1 to 6 है, मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। फिर लूप के बाहर आ जाओ, फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे स्पेस दिया उसने जगह, बट नेक्स्ट लाइन के बाद यहाँ पे वापस से लूप में आएगा, लूप की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू 1 और 2 ही है। ठीक है, तो खत्म हो गया। तो आपको ये ऐसे करके ये स्टार जो है ये प्रिंट हो गए। ये समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा समझ में, थोड़ा सा वही आपने यहाँ पे अगर टैप दे दिया होता तो इन स्टार्स के बीच में गैप आ गया होता ऐसे। अभी मेरे को ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, नया पेज लेता हूँ। अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट दिख रहे हैं ना आपको? हेलो, यस यस सर। एक पहले लाइन में 5 और दूसरे लाइन में 4, इस वजह से करना है। मतलब पहले लाइन में 5 स्टार चाहिए, दूसरे लाइन में 4 स्टार चाहिए, तो टोटल लाइंस कितनी है, 2 लाइन है। क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 3, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 3 मतलब क्या हो गए, 2 वैल्यू होगी एक्स की 1 और 2। क्या करना है, फॉर वाई इन रेंज 4x in range 1 to 3, फॉर y इन रेंज, अभी मुझे करना क्या है, तो पहले लाइन में 5 और दूसरी लाइन में 4, मतलब मेरे को ऐसा करके चाहिए कि मैं x की वैल्यू पे इसको डिपेंड कर दूंगा, तो x की वैल्यू पे इस पर डिपेंड कर दूंगा, मतलब यहाँ 5 और यहाँ 4। तो क्या कर सकते हैं हम लोग सर, एक वेरिएबल ले सकते हैं, उसको 6 वैल्यू दे सकते हैं, फिर बाद में जब वो फर्स्ट लूप में जाएगा तो डिक्रीमेंट कर देगा। हाँ, वो ऐसा करने के लिए मैं इधर एक चीज कर रहा हूँ, देखो आप 5
कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन। ठीक है, अभी ये क्या किया मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले मेरे को ये करके बताता हूँ मैं। फॉर वाई इन रेंज ऑफ एक्स कॉमा, पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, ठीक है, एक्स कॉमा 3 अच्छा प्रिंट और दिया तो ठीक है। करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बिंगो। क्या किया बताता हूं, उससे पहले ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन क्या है वो बताता हूं आपको मैं। अगर आप ऐसा लिखते हो फॉर वन टू फॉर एक्स इन रेंज एक्स, तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है। कैसे जा रहा है, पहले एक्स की वैल्यू 1, फिर एक्स की वैल्यू 2, फिर एक्स की वैल्यू 3, फिर एक्स की वैल्यू 4, ऐसे करते करते 5, 6, 7 up to 10। बट मुझे 10 से लेके 1 प्रिंट करना है, तो 10 से लेके 1 प्रिंट करना है तो ऐसे करते हैं, बट वो सिंटैक्स सही नहीं है। देखो कुछ नहीं आया, तो उसके लिए जब आप डिक्रीमेंट में करते हो ना, तो उसको डिक्रीमेंट का बताना पड़ता है कि आप कितने का डिफरेंस लेना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ वो डिक्रीमेंट जब हो तो -1 का डिफरेंस से डिक्रीमेंट हो। अब अगर मैं रन करूंगा इसको तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हो गया। तो जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो तो यहाँ पे रेंज बताना, उसका जो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो बताना जरूरी है। यहाँ पे नंबर क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली जो एक्स वेरिएबल लिया था उसी को मैं प्रिंट करवा रहा हूं, इसीलिए। अगर मैं स्टार लिखता तो वहां पे स्टार आएगा। हमारा स्ट्रिंग बन जाता है, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में देखो, ठीक है। तो जब आप स्टार लेते हो या कोई ऐसा लेते हो स्पेशल कैरेक्टर, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम ने उसको यहाँ पे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, उससे कुछ मतलब नहीं है, उसको यहाँ पे ये पोजीशन बन जाते हैं। फिर उसके लिए उसके पोजीशंस बन जाते हैं, मतलब ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर मैंने इसको ऐसे किया होता 5 से लेके 15 तक, तो भी सेम आउटपुट आता था, क्योंकि उसको 10 स्टार प्रिंट करने, आप क्या है 5 से स्टार्ट करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके स्टार्ट करो अप टू 15, या 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि वो तो कैरेक्टर है ना, उसको खाली कैरेक्टर उस पोजीशन पे डालने का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर 15 to 5 अगर मैंने ऐसा लिखा, फिर
तो भी वो वैसा ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी तो ये आपको समझ में आ गया कि जब डिक्रीमेंट इसमें जाते हैं तो हमको लोगों को माइनस इसमें से उसको कंसेक्यूटिव नंबर में के बीच में कितना गैप का नंबर आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस वन माइनस टू लिखना पड़ता है। मोस्टली हम लोग बाय डिफॉल्ट माइनस वन लिखते हैं। अभी फंडा ये है कि आप जब बोल रहे हैं कि स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो आप 10 से 0 करो या 15 से 5 करो, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो लूप लिया है इसके अंदर उसमें आप क्या करना चाहते हो। अगर आप उसमें एक लाइन में 15 स्टार प्रिंट करना चाहते हो तो फिर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ 15 से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर वहां पे आप 5 प्रिंट करना चाहते हो तो 5 से स्टार्ट करो, या जैसा भी है उस हिसाब से। सो अंदर का लूप कैसा है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक्स वेरिएबल पे आपने उस लूप को डिपेंड करवाया हुआ है तब फिर उस टाइम में ये यहाँ पे ये मैटर करता है कि 10 ही प्रिंट, 10 टोटल चाहिए डिजिट्स, तो 0 से 10 करना है, 10 से 0 करना है, 5 से 15 करना है, 15 से 5 करना है। लेकिन अंदर वाले लूप अगर इस एक्स वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते तब आप इसको कैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बात कहां से स्टार्ट हुई थी हमारी, यहां से। अभी मुझे प्रिंट क्या करना है, तो पहली चीज तो ये लूप क्या करेगा, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 5, 3, -1, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दो ही वैल्यू लेगा एक्स की। कौन कौन सी, एक लेगा वैल्यू 5 और एक वैल्यू लेगा वो 4। क्यों, 5 के बाद 4 आता है और उसके बाद 3 आता है, बट बाय डिफॉल्ट 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो 3 को नहीं लेता है, वो उसे एक डिजिट कम लेता है। तो ये डिक्रीमेंट कैसे होता है, 5, 4, 3, 2, बट 3 से मतलब एक कम। जब हम लोग 0 टू 11 करते हैं तो 10 तक ही लेता है, तो वैसे ही 5, 4 और फिर यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो 5, 4, 3 तीन ही वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे 5 to 3 लिखा हुआ है, मतलब 5 and 4 ये ही दो वैल्यू यहाँ पे वो लेने वाला है, वो पहली चीज। ठीक है, अभी देखो मतलब ये जो लाइन होगी ये 5 इंडिकेट कर रही है और ये वाली जो लाइन है वो 4 इंडिकेट कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 इंडिकेट कर रहा है कि 5 स्टार है और ये 4 इंडिकेट कर रहा है कि 4 स्टार है। ठीक है, अभी क्या है, फॉर वाई इन रेंज ऑफ 0, x, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा जो लूप है अंदर वाला वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो मुझे पहले लाइन में 5 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये लूप सेट होगा, कैसे सेट होगा, तो पहले x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो इस x की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, x की वैल्यू जैसे ही 5 हुई तो क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अंदर वाला लूप अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो, तो फॉर y इन रेंज ऑफ 0 to 5 क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है आपको। तो इस वाले लाइन के ऊपर जो एक लाइन है उसके ऊपर हमें 0 to 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 5 को एक्सक्लूड करके करता है, तो 0 से इसलिए स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अभी क्या बोल रहा है कि एंड मतलब एक लाइन में आएंगे वो, और फिर नेक्स्ट इसमें क्या, ये लूप से बाहर हो गया, अभी इस लूप से बाहर हो गया। अभी क्या होगा, प्रिंट एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। ठीक है, अभी ये यहाँ पे खत्म हो गया, अभी वापस से एक्स पे जाएगा लूप के ऊपर, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 5 है। अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू दिखा रहा है क्या, 3 है, तो मतलब 4 भी आएगा इसमें। अभी x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई मतलब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया मतलब क्या, अभी नेक्स्ट लाइन में ये 4 लाइन मतलब यहाँ पे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब नेक्स्ट लाइन में है उसकी लाइन की वैल्यू 4 है, बस ऐसा मान के चलो। क्या करना है, 0 से 4, 0 एक बार आएगा ये स्टार, तो 0 स्टार आ गया 0 पोजिशन पे, फिर 1 वैल्यू होगी, फिर 2 वैल्यू हो गई, फिर 3 वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू होगी नहीं क्योंकि 4 को एक्सक्लूड करना है, ये हो गया। फिर क्या, एंड हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रिंट एल लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अभी क्या है, फिर वापस से उस लूप में जाएगा एक्स वाले में, इन रेंज ऑफ 5, 4, मतलब 3, तो 3 तो लेगा नहीं वो, तो मतलब क्या हो गया, इसकी लास्ट वैल्यू 4 की थी, तो यहीं पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको प्रिंट करना है। अगर यहाँ पे 5 स्टार होता, यहाँ पे 5 स्टार तब हमें क्या कॉमन था, तो इसलिए हम लोगों को फिर क्या करना पड़ता, इतने तामझाम की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं 1, 2 सपोज 2 करता मैं, या 1, 2, 3 करता मैं, 1, 3 और यहाँ पे 0 to 5 कर देता, तो दोनों लाइन में 5 हो जाते फिर। समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये खत्म कर रहा हूँ, मैं आपको इसी के ऊपर और भी प्रोग्राम आने वाले हैं, तो मैं एक एक करके प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग।
वरना मैं डायरेक्टली स्टार्ट किया होता तो आपको समझ में नहीं आता। जैसे कि मैंने दो लाइन का बता दिया आपको, मैं पांच लाइन प्रिंट करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सर क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट प्रोग्राम लेंगे हम लोग ये वाला, क्या है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच स्टार है और टोटल कितने लाइन है, एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन है और हर लाइन में पांच स्टार है। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6 y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग उसको x पे डिपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूंगा, पांच चाहिए ना, हाँ तो ठीक है, प्रिंट r tab देना है तो, नहीं तो एंड एन, सेव किया ये सेशन के तो प्रोग्राम नंबर वन। ठीक है, तो आप देख सकते हो पांच लाइन है और हर लाइन में पांच स्टार है जैसा कि हमें चाहिए था। ये स्टार पास पास में है, अगर आपको पास पास में करना है तो आप ऐसा कर लो, थोड़ा सा स्पेस दे दो, एक टैब और स्पेस में डिफरेंस रहता है, तो इस वाइज से आ गया वो आपका। समझ में आया क्या, हेलो? यस सर, यस सर। नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है प्रोग्राम नंबर टू, उसमें देखो वो थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है लेकिन समझ में आ जाएगा। पहले लाइन में वन है स्टार, दूसरे लाइन में टू स्टार है, फिर थ्री स्टार है, फोर स्टार है, फाइव स्टार है। पहले देख लेते हैं लाइन कितनी है, तो पांच लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो पांच लाइन है, तो पहले में वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसे मतलब पहले लाइन में वन स्टार, फिर टू स्टार, फिर थ्री स्टार, फिर फोर स्टार, फिर फाइव स्टार। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, देखो फॉर एक्स इन रेंज, पांच लाइन है तो बाय डिफॉल्ट ये डिपेंड करता है अंदर का क्या कंटेंट डालना है हमें उसके ऊपर, फिर हम लोग ऊपर का चेंज कर सकते हैं। बट ऊपर में सबसे अच्छी चीज ये बताई हुई है उन्होंने कि पहले लाइन में वन है, दूसरी लाइन में टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है। तो मुझे पहले लाइन में मुझे इस वे से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्स स्टार्ट एन, अभी देखो रन करते हैं फिर देखते हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव, पहली चीज पहले ये जो प्रोग्राम है एज इट इज मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग अलग से क्या कर सकते थे या क्या दिमाग में पहले आता है करने को वो फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले ये जो किया हुआ है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 to 6, तो ये 1 to 6 मतलब ये लाइन 1 बता रही है, ये लाइन 2 बता रही है, ये लाइन 3 बता रही है, ये लाइन 4 बता रही है, ये लाइन 5 बता रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, फॉर वाई इन रेंज ऑफ 0, x 0, x मतलब अभी सपोज क्या हुआ, जब इसमें x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। पहले मैंने x की वैल्यू 1 ली, जब x की वैल्यू मैंने 1 ली तो क्या होगा, तो इस टाइम में जब यहाँ पे x की वैल्यू सेट हो गई है 1, x की वैल्यू सेट हो गई है 1, तो क्या होगा, फॉर वाई इन रेंज ऑफ 0 to 1 मतलब कितना गैप मिल रहा है, कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे y की, कौन बताएगा मुझे, एक वैल्यू मिल रही है, क्यों, क्योंकि वो कौन सी वैल्यू है, y is equal to 0। बाद में y is equal to 1 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वैल्यू इसकी 1 है।
तो ए की वैल्यू मिल रही है वाई इज इक्वल टू जीरो, उस पर करना क्या है स्टार प्रिंट करना है, तो वाई की एक ही वैल्यू है मतलब एक ही स्टार प्रिंट होगा, वो स्टार यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो लाइन पहला खत्म, प्रिंट एलन आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन चलिए देखो, अभी वन वैल्यू हो गई एक्स की, अभी एक्स की वैल्यू क्या हो गई टू, यहाँ पे टू आ गया। सेकेंड लाइन पे आ रहे हम लोग, अभी ये जो वाई रेंज ऑफ जीरो टू टू, तो क्या क्या वाई की वैल्यू हो गई जीरो हो गई एंड वन हो गई, दो वैल्यू लेगा ये, तो दोनों वैल्यू पे क्या प्रिंट करनी है स्टार, तो यहाँ पे ये वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन, तो दो स्टार प्रिंट हो गए। फिर एंड होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन मतलब थर्ड लाइन, थर्ड लाइन पे क्या होगा अभी x की वैल्यू थ्री हो गई, थ्री हो गई मतलब थर्ड लाइन, अभी यहाँ पे x की वैल्यू थ्री हो गई, थ्री हो गई मतलब अभी y इन रेंज ऑफ जीरो टू थ्री, कौन कौन सी वैल्यू लेगा वो y की जीरो लेगा वन लेगा टू लेगा, तो तीन वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इसके लिए एक स्टार प्रिंट करेगा क्योंकि अंदर क्या आ रहा है प्रिंट स्टार, यहाँ पे दूसरे के लिए स्टार प्रिंट करेगा, तीसरे के लिए स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे स्टार स्टार स्टार, तो तीन स्टार प्रिंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, अभी नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा एक्स इज इक्वल टू फोर, मैं क्यों एक्स इक्वल टू फोर ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक वैल्यू ले रहा हूँ, एक्स की पांच वैल्यू होंगी वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नहीं होगा तो फोर वैल्यू तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब ये यहाँ पे सिक्स ही रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू फोर है, तो एक्स की वैल्यू फोर है मतलब यहाँ पे फोर आ जाएगा, तो जीरो टू फोर मतलब कौन कौन सी वैल्यू आ रही है वाई की एक्स की, फोर के लिए वाई की कौन कौन सी वैल्यू आएगी जीरो वन टू थ्री, फॉर वाई इन रेंज जीरो वन टू थ्री स्टार प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार, तो फोर्थ लाइन में चार स्टार प्रिंट हो गए। बाद में फाइव वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे फाइव आ गया, फाइव मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो गई जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, लास्ट वाली वैल्यू हमेशा नहीं आती है, यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार यहाँ पे स्टार, इसलिए यहाँ पे पांच स्टार आ गए पांचवी लाइन में x इक्वल टू फाइव पे, तो इस वजह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसमें डाउट कहाँ पे आ सकता है मैं बताता हूँ आपको, इधर डाउट कुछ भी नहीं होगा, आपने सपोज पांच लाइन है तो आप वन टू सिक्स से स्टार्ट कर दिया सपोज, बाद में नीचे आके आपको समझ में आ जाएगा आपको आपको कर क्या रहे हो और कैसे करने का है, तो उसके हिसाब से आप ऊपर की वैल्यू फिर से चेंज कर सकते हो। अभी डाउट क्या आता है, सपोज मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करूं कि वन से स्टार्ट करूं, मान लो मैंने यहाँ पे वन से स्टार्ट किया होता, क्या होता था, तो ये वाला स्टार जो है ना नीचे आया था, यहाँ पे गैप मिलता मुझे, मैं करके दिखाता हूँ आपको और ऐसा क्यों होता बताता हूँ, यहाँ पे गैप मिला उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हम लोग, मेरी आवाज आ रही है ना, यस सर, यस सर, हाँ, इसका रीजन ये है कि मैंने x की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है, तो जब x की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे y की रेंज क्या सेट होगी, कोई रेंज तो सेट होना चाहिए क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 है तो उससे पहली वाली तक रहता है, उससे पहली वाली मतलब 0, बट यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये यह कुछ भी नहीं करेगा, वो स्पेस दे देगा यहाँ पे खाली, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट वैल्यू आई है x की 2, उस टाइम में यहाँ पे जब टू सेट होगा, अब उसको एक वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, एक्स वाई इज इक्वल टू वन, क्योंकि पिछले वाले में जब वाई यहाँ पे लास्ट वैल्यू वन थी
यहाँ पे वन से स्टार्ट करता था, वो वाई इक्वल टू वन एक वैल्यू रखता था, लेकिन उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो वन है, वन मतलब हमेशा उससे कम ही लेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करता वो। लेकिन जब नेक्स्ट में एक्स इक्वल टू टू आया तो इसकी जो रेंज है यहाँ पे इस वन टू टू में वाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, की वैल्यू होगी वन, तो फिर यहाँ पे वो स्टार प्रिंट कर रहा है, लेकिन वो वैल्यू वन सी है, वन पे स्पेस दिया उसने एक्स की, टू पे एक स्टार दिया, तो उसके हिसाब से फिर जब थ्री होगी तो यहाँ पे थ्री होने पे एक्स इक्वल टू थ्री होने पे वन एंड टू दो वैल्यू होगी, वन एंड टू, तो दो स्टार प्रिंट होगा यहाँ पे, फिर ऐसे करके, इसीलिए तो वो सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, 13 प्रोग्राम है, आपको हर टाइप से ड्रॉ करना आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने वापस से यहाँ पे जीरो सेट कर देता हूँ, ले लिया, ये एक प्रोग्राम है, अभी मैं प्रोग्राम टू पेस्ट कर रहा हूँ, उसके आउटपुट के साथ, और ये भी ये दोनों प्रोग्राम को आपने रन करना है, अभी यहां से देख के रन करना है, समझ के रन करना है, और जब वो हो जाएगा फिर हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग ज्यादा कुछ नहीं, खाली क्या हो रहा है कैसा हो रहा है ये एज इट इज रन करो इसको, ये प्रोग्राम है उसका आउटपुट आएगा आपको, ये प्रोग्राम है उसका आउटपुट आएगा आपको, ये रन करके मुझे शो करो आप लोग, अब मुझे शो करो मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जो आपको ये जो ग्रुप बनाया है हम लोगों ने उस ग्रुप पे, मुझे पर्सनली मत डालो, डायरेक्टली आप लोग ग्रुप पे डालो, ठीक है। दो प्रोग्राम करके दिखाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं हम लोग, क्लियर है सबको? यस। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है प्रोग्राम को आउटपुट के साथ,
हाँ वैसा भी चलेगा करण, एक्स प्लस वन भी किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anyone is having doubt? Hello, am I audible? No, sir. Shall we move ahead? Yes. Yes, sir. सभी के आगे क्या होता है? Yes, sir. सभी का आउटपुट आया क्या? Let me check. Okay, we'll go ahead now. This is third program. इसमें क्या करना है, कौन कर सकता है इस प्रोग्राम को? एनीवन कैन ट्राई? ये प्रोग्राम को ट्राई कर सकता है क्या? चैट में बताओ मेरे को, ऐसे बोल चैट में बताओ कौन कौन ट्राई कर सकता है इस प्रोग्राम को। ऐसा नहीं है कि आना ही चाहिए आपको, नहीं तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कौन ट्राई कर सकता है अटेम्प्ट। दो टूंटू आवाज आया मेरे को, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 922 आवाज। अगर ये प्रोग्राम आया है आपको तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। One, two, three, four. Four people have said yes. Okay, I'll do this then. No problem. मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमें करना क्या है? इस प्रोग्राम में, थर्ड वाले प्रोग्राम में, हमें पांच पहली लाइन में, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इसमें से करना है। फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पांच चाहिए, यहाँ पे चार चाहिए, यहाँ पे तीन चाहिए, यहाँ पे दो चाहिए और यहाँ पे एक चाहिए। ठीक है, अभी कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6 सेट कर लेता मैं, क्योंकि मुझे पांच लाइन चाहिए, दैट इज ओके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में पांच है तो मैं 5 से ही स्टार्ट करूंगा। मैं 5 से 0 तक, तो 5 4 3 2 1, ठीक है, बाद में -1। क्यों ऐसा किया वो बताता हूं मैं आपको। फॉर वाई इन रेंज, अभी मुझे करना क्या है, तो पहली लाइन में पांच मुझे प्रिंट करने हैं, तो पांच प्रिंट करने हैं मतलब 0 to x। जब मैं 0 to x कर रहा हूं,
यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पहले वैल्यू 5, तो जैसे यहाँ 5 आएगी तो यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट में x की वैल्यू क्या आएगी, 4, क्योंकि 5 टू 0 है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 5, 4, 3, 2, 1 तक होगी, 0 नहीं आएगी। जैसे 4 डालेंगे हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 4 है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3, फिर 3 आएगा तो यहाँ पे 0, 1, 2, तो 0, 1, 2, फिर यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा तो 0, 1, तो 0, 1 मतलब 0, 1, और फिर बाद में यहाँ पे 1 आएगा तो 1 आएगा मतलब एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 0, तो 0 आएगी तो यहाँ पे 0। तो इस वजह से मैंने इसीलिए यहाँ पे 5, 0, -1 लिया। अगर यहाँ पे 1 स्टार होता, 1 फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो मैंने 1, 6 करके लिया होता था, पर यहाँ पे 5 स्टार है तो यहाँ पे इसलिए 5 से स्टार्ट किया मैंने। अभी देखो मैं प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने x डाल दिया, यहाँ पे स्टार चाहिए था और हमें टैब में एक स्पेस दे देंगे, दैट इज सफिशिएंट। आया 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या होता है, मैं आपको फ्रेंकली एक चीज बताता हूँ। पहले चीज होती है कि किसी किसी को ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग सेशन में समझ में आ जाता है, किसी किसी को जब वो रन करते हैं खुद से प्रोग्राम सेशन के बाद तब समझ में आता है। तो दोनों ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको समझ में अभी के अभी आ गया और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो अच्छा है, और जो नहीं कर पा रहे वो ऐसा नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट टाइम आनी ही चाहिए, हो सकता है हम लोग 13 प्रोग्राम कर लें, उसके बाद 13 प्रोग्राम करने के बाद स्टार के हम लोग क्या करेंगे, नंबर डालेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, स्टार के यहाँ पे नंबर डालेंगे, तो वो भी हम लोग 10 या 12 प्रोग्राम उसके भी करके देखने वाले हैं हम लोग। तब उसके बाद आप धीरे धीरे करके जितना आप मैक्सिमम प्रोग्राम करते जाओगे तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, तो लॉजिक और अच्छा डेवलप होता जाएगा आपका। बट एट द एंड आपको जब ये कोर्स कंप्लीट होता है तब आपके सारे क्लियर हो जाने चाहिए। बट बाद में मैं एक बार और इन प्रोग्राम का रिवीजन फिर से ले लूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरे प्रोग्राम आ जाए, नॉट नाउ बट काफी टाइम होने के बाद, ठीक है? मे बी एट द एंड ऑफ आवर कोर्स आई विल टेक दिस रिवीजन ऑफ ऑल प्रोग्राम अगेन, बट दैट डजंट मीन कि यू शुड डिपेंड ऑन दैट रिवीजन। अभी समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं भी आता है तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसका लॉजिक फास्ट होता है किसका लॉजिक नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, थर्ड ईयर के लिए एक ENTC के लिए कंपनी आई है अभी, मतलब जो बच्चे थर्ड ईयर में उनके लिए प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, एक्रोलेट करके कोई कंपनी, एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नाम वापस देखना पड़ेगा, तो वही नाम है कंपनी का, लेकिन तो वो कंपनी का पैकेज 5 लाख का है, अपने कॉलेज की में ही आई हुई है मतलब प्रेजेंटेशन इसके लिए। तो उनका कल उनका बच्चों का रिटर्न एग्जाम हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनी है, पहला 2 टेस्ट थे, टेस्ट वन में उनको थोड़े बहुत एप्टीट्यूड होंगे और थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज या पाइथन इसके ऊपर था, और सेकंड जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया रिटर्न का उसका सेकंड राउंड था, उसमें बकायदा उनको प्रोग्राम बोले थे लिखने के लिए, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बोले थे। अगर उनको बोला होगा ये पैटर्न जनरेट करके दिखाओ, तो अगर ये सपोज सी में था, अगर पाइथन में बोला होता तो आपको वो लिख के उसका आउटपुट आना चाहिए फिर ऐसे वैसे भी। तो आप सोचते हो कि प्रोग्राम कहाँ पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, प्रोग्राम रिटर्न एग्जाम में हो सकते हैं ऑनलाइन के और स्पेशल सॉफ्टवेयर कंपनी में पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, यहाँ तक कि आपको जब इंटरव्यू होता है और वहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं वो लोग, आप हमें एक पाइथन, तो पाइथन के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको जनरल, और उसके बाद हो सकता है आपको बोले कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाओ, इट मे पॉसिबल है, या GD के टाइम में, या जनरल जो होता है 4-5 लोगों को बिठा देंगे, GD तो नहीं बोल सकते उसको एक्चुअल में,
अगर वो एट ए टाइम पांच स्टूडेंट लेते हैं तो बोल देंगे ये प्रोग्राम है पांचों लिख के दिखाओ, देखते हैं कौन सबसे फास्ट लिख के दिखाता है, किसका लॉजिक कितना फास्ट है। इस वजह से भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब इस वजह से आपके इस वजह से आप प्रैक्टिस करो कि आपके लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाए और आपका प्रोग्राम आ जाए। ठीक है, तो एक प्रोग्राम और करते हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप विद द सेशन। प्रोग्राम कौन सा है हमारा? फोर्थ प्रोग्राम है ये वाला। ये प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये प्रोग्राम मैं कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आज लेके छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि क्या होगा इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा आपको, क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना है मुझे, यहाँ पांच स्टार है, यहाँ चार है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक है। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे दो स्पेस है, यहाँ पे तीन स्पेस है, एक दो, ये दो और ये तीन, मतलब ये ठीक से वन, तीन, चार, यहाँ पे इस स्टार के नीचे चार, सॉरी यहाँ पे कितने स्टार है, एक सेकेंड, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ करके है क्या एग्जैक्टली। ये वाली लाइन आप छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, यहाँ पे सबके लिए एक कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस है, ये वाली लाइन छोड़ दो आप। अभी देखो यहाँ पे पहले वाले में एक भी स्पेस नहीं, ऐसा मान के चलो, दूसरे वाले में एक स्पेस है, इसमें फिर दो स्पेस है, इसमें तीन स्पेस है, अरे यार इसमें तीन स्पेस है, क्या हो रहा है, इसमें तीन स्पेस है, इसमें चार स्पेस है, मैं डॉट से इंडिकेट कर रहा हूं, बट इसमें एक दो तीन और यहाँ पे चार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक जो कॉमन स्पेस यहाँ सबके लिए है वो तो बाद में हम लोग डाल देंगे, वो कैसे डालना है वो अलग बात है। फिलहाल आप ऐसे मान के चलो कि मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पे जीरो स्पेस है, जब पांच स्टार आ गए तो वहां पे जीरो स्पेस, जहां चार स्टार है वहां पे एक स्पेस है, जहाँ तीन स्टार है वहां दो स्पेस है, पहले स्टार्टिंग में जहाँ दो स्टार है वहां पे तीन स्पेस है, और जहाँ पे एक स्टार है वहां पे चार स्पेस है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, स्पेस मतलब टैब है ऐसा मान के चलते हैं, तो वो टैब खाली हमें प्रिंट करना है, वो टैब अगर मैं करता हूँ उसके बाद हम लोग स्टार डाल देंगे उसमें। तो टैब डालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसका प्रोग्राम मैं बताता हूँ आपको। और एक्स इन फॉर एक्स इन रेंज वन कॉमा, कितने हैं, पांच लाइन है, और वाई इन रेंज
ये वाई जो मैंने सेट किया है ये स्टार प्रिंट करने के लिए नहीं किया, मैंने स्पेस के लिए किया हुआ है। तो कैसा है वो, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर स्टार है, फोर स्पेस है, तो मतलब जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं वन से करता हूँ, क्योंकि जब ये वन से किया मैंने और यहाँ पे एक्स डाला तो क्या होगा, वन और यहाँ पे जब एक्स वन आएगा तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वहां पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा। फिर ये मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो प्रिंट, टैब, खाली टैब और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब यहां पे x की वैल्यू वन लेगा, यहां पे वन आ गया, तो वन और वन मतलब कोई रेंज ही नहीं मिल रही है उसको, तो पहले में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा पहले लाइन में। फिर दूसरी वैल्यू क्या, x की टू है, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, क्यों टू है, x की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव रहेगा, टू आ गया मतलब एक एक स्पेस छोड़ेगा नेक्स्ट लाइन में। फिर थ्री आ गया, थ्री आ गया मतलब दो स्पेस छोड़ेगा, फिर फोर आ गया मतलब तीन स्पेस छोड़ेगा, फाइव आ गया तो चार स्पेस छोड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम चार स्पेस ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होगी वो सिक्स सिक्स होगी ना, क्योंकि सिक्स तक यहाँ पे मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वन से लेके फाइव तक होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से 5 तक होगी, तो 5 जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 डाला हमने, तो 1 टू 5 में क्या क्या है, कितना आएगा, 1 2 3 4, तो चार स्पेस आएंगे, चार स्पेस आएंगे मतलब, क्यों चार स्पेस की बात करो, वाइट टैब आएंगे, क्योंकि टैब आएंगे मतलब ऐसा, यहाँ पे स्टार नहीं डाला, टैब डाला होगा, ठीक है। बट वो टैब आपको दिखेंगे क्या, अभी फिलहाल जब तक स्टार नहीं डालोगे तब तक टैब दिखेंगे नहीं। लगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट डाल देता हूँ, यहाँ पे उसने किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब स्टार हर लाइन में प्रिंट होगा उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। तो स्टार प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और लूप सेट करनी पड़ेगी, हमें क्या सेट करनी पड़ेगी, फॉर के इन रेंज, क्या फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे पहले लाइन में कितना स्टार चाहिए, पहले लाइन में पांच स्टार चाहिए, फिर चार चाहिए, फिर तीन चाहिए, फिर दो चाहिए, फिर एक चाहिए, तो मुझे फाइव टू वन चाहिए, फाइव टू वन चाहिए, मतलब क्या करूंगा मैं, फाइव टू मतलब वैल्यूज एट अ टाइम वो उसने वो लेनी चाहिए, तो वन फाइव से स्टार्ट करेंगे, सिक्स टू एक्स अगर करूं मैं तो क्या होगा, प्रिंट फॉर के इन रेंज सिक्स टू तो यहाँ पे जब x की वैल्यू वन सेट होती है, जब x की वैल्यू वन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वन होगा, वन होगा मतलब वैल्यू क्या क्या आएगी, सिक्स फाइव सिक्स फाइव फोर थ्री टू, कितनी वैल्यूज आई, एक दो तीन चार पांच, तो फाइव स्टार आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये प्रोग्राम पहले रन करके अब फिर बाद में फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। स्टार नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या वजह है उसकी, फॉर के इन रेंज, ओके, ये सिक्स टू एक्स है, एक्स मतलब वन, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए फिर यहाँ पे हमें माइनस डालना पड़ता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमें रेंज बताने की, उसके माइनस वन माइनस टू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ऐसा आ गया, मतलब यहाँ पे उसने एक भी गैप नहीं छोड़ा, और जब नेक्स्ट टाइम हो रहा है तो यहाँ पे वो कितना गैप छोड़ रहा है, वो एक दो तीन चार,
एग्जैक्टली छोड़ेगा ही चार, क्यों चार छोड़ेगा वो, बिकॉज पहली वैल्यू जो हो रही है वो यहाँ पे वन हो रही है, ठीक है, एक्स की तो वन हो रही है, तो उसमें उसने टैब एक भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। फिर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो कितना, 6 5 4 3 2, तो यहाँ पे 5 स्टार डाल दिए, एंड हो गया नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू 2 हो गई, मतलब यहाँ पे उसने एक स्पेस छोड़ना चाहिए था। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के फिर क्या करता वो, यहाँ पे जाता, तो यहाँ पे जाता वो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 होती, तो क्या होता, 6 5 4 3, 4 स्टार यहाँ से प्रिंट होने स्टार्ट होते थे, ठीक है, बट वो यहाँ से प्रिंट होने स्टार्ट हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ऐसे मैंने प्रोग्राम रन करके देखे हुए हैं। वो तो इस तरह से हो गया, एक सेकंड, आई कैन यूज माई ब्रेन, बट इफ आई हैव ऑलरेडी रन दिस प्रोग्राम व्हाई शुड आई यूज माई ब्रेन। मैंने क्या किया था, मैंने ये किया हुआ है, और हमें करना क्या था, बराबर है ना सर? लास्ट सेकंड। हाँ सर, हाँ वही वही। इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। वन टू सिक्स 5 लाइन बराबर है, ये भी बराबर है, सर या क्या? अभी आ गया, कुछ बोल रहे थे आप, बोलो बोलो बोलो, जो भी है बोल देने, कोई टेंशन नहीं, बोलो नहीं सर, क्लियर। बोलो ना। सर मुझे लगा कि वो पिछले प्रोग्राम में सेकंड लाइन में 0, x लिखा था सर। वो भी मैं बताता हूँ क्या है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको क्या है वो। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको क्या है, ये प्रोग्राम में यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो क्या है कि आप देखो, तो ये यहाँ तक जो है ये एक या दो स्पेस सबको दिया हुआ है कॉमन, ठीक है, और बाद में यहाँ पे इधर 0 स्पेस है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस वजह से है, ठीक है, तो वो कॉमन स्पेस देने के लिए
चाहे वो एक स्पेस है चाहे वो दो स्पेस है, अगर एक स्पेस है यहाँ पे जीरो कर दो। क्यों जीरो कर दो? जैसे ही आपने जीरो किया ये टैब एक आ जाएगा। कैसे किया? क्योंकि x की वैल्यू स्टार्टिंग की वन लेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू वन मिल जाएगी उसको, तो यहाँ पे वो वन स्पेस देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट में जहाँ पे उसको वन मिलना चाहिए था वहां पे टू स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे टू स्पेस मिलना चाहिए था वहां पे थ्री स्पेस मिल जाएगा। तो एक वैल्यू मैंने उसको जीरो कर दिया यहाँ से, तो वन से करता था तो एक स्पेस कम हो रहा था, और जीरो से कर दिया तो एक स्पेस ज्यादा पड़ गया। अगर आप चाहिए तो आप उसको इस वे से रन करके देख सकते हो। यहाँ पे उसको देखो इतना बड़ा गैप मिल रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से आप देखो ये इतना पार्ट हटा दो तो यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ दो स्पेस है, यहाँ तीन स्पेस है, यहाँ चार स्पेस है, ऐसा। ठीक है? Yes. तो फिलहाल आप ये वाला प्रोग्राम है थर्ड करके देखा है क्या? नहीं करके देखा ना? Have you done this? I guess not. तो ये वाला अभी करना है आपने? सर किया है सर। ये तो किया है क्या? दो ही किया शायद समझ रहा सर। ठीक है, ये वाला अभी कर लो, फोर्थ वाला। क्या होगा कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या है वो। ऑल ऑफ यू डू दिस। ये प्रोग्राम हो जाता है तो मुझे बताओ। डन सर। बाकियों का भी होने दो। कल आप लोगों ने जब आओगे तो ये चार के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करके ना, और ये पांचवा वाला जो है ये देख लो आप लोग, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देता हूँ फिफ्थ प्रोग्राम को। व्हाट्सएप यार आपके सेशन के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये जो फिफ्थ प्रोग्राम है जहाँ पे कर्सर है, इसका आप इसका पूरा स्नैपशॉट ले लो आप लोग। इस पूरे विंडो का जो है ना, अभी जो मैंने स्क्रीन दिखा रहा हूँ उसका स्नैपशॉट ले लो। इसमें ये वाला जो है इसका ये वाला ट्राई करो आप लोग, अगर ये हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। हिंट देता हूं मैं, यहाँ पे हमें पहले में एक भी स्पेस नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार करना था। इसमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में चार स्पेस, बाद में तीन स्पेस, फिर दो स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर एक भी स्पेस नहीं, और उसके हिसाब से फिर स्टार आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करने। दैट्स इट। तो ये वाला खाली एक प्रोग्राम आपने आपके तरफ से ट्राई करना है, होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, बट ट्राई करो। आई अप्रिशिएट अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे प्रोग्राम हो जाए। आज थोड़ा आधा घंटा डिले हो गया, वरना आज मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता था मैं, बट कोई बात नहीं, कल ये स्टार वाले हो जाएंगे हमारे सारे। हैव यू टेकन द स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस।
ये फिफ्थ वाला जो है वो ट्राई करना है आपने। जब तक आप लोग ये जो मैंने बोला है वो ट्राई वो लिख करके रन करके दिखाओ मेरे को। डन करन का डन हो गया।